जी फ्रेंड, जल्दी से बात कर लेते हैं। कभी मैं कभी तुम, मैं आपको बताऊं, शजीना और मुस्तफा की केमिस्ट्री इतनी कमाल है, लग ही रहा था कि पता नहीं दोनों की आगे निभेगी, बनेगी नहीं बनेगी। बट अदील जो है ना, उसको तो इतनी जेलसी है और तो कुछ समझ नहीं आ रही कि भाई मैं क्या करूं, अंदर मेरा क्या रोल है। और वो बड़ा ऐसे अजीब 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 सी ना हरकतें कर रहा है। अच्छा, अजीब सी हरकतें ये कर रहा है कि उसको ना जेलसी इतनी हो रही कि रुबाब भी फील कर रही है। रुबाब को ये है कि भाई क्या हो, क्या इसमें क्या है, मतलब दोनों अगर खुश हैं लेकिन वो यानी कि रुबाब जो है ना वो भी सेटिस्फाई नहीं है इस सारे रिलेशन से। यानी कि उसको समझ नहीं आती कि भाई मैंने शादी इससे की थी कि हम दोनों एक लविंग सा कपल होंगे, बट अदील को तो हर टाइम से जीना और मुस्तफ़ा की में इंटरेस्ट लेने के अलावा कोई बात ही नहीं आती। यानी कि सेल्फिशनेस है ना, बस इसी तरह ही है। जो सेल्फिश इंसान होता है ना, उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा ही होना होता है। लेकिन शजीना और मुस्तफ़ा खुश हैं, ये सबसे अच्छी बात है। कॉमेंट बॉक्स में आप भी बताना कि आपको सबसे अच्छा करेक्टर कौन सा लगता है। वो सीन अच्छा था ना जब शजीना ने अच्छा जवाब दिया अदील को, बल्कि अभी और भी सीन आएंगे जिसमें अदील को वो बड़े सही और करारे जवाब दे रही है कह दी कि भाई तुम अपने काम से काम रखो। इस किस्म की बातें, वैसे मैं आपको बताऊँ, ड्रामा बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े मज़े से आगे बढ़ रहा है और भी बड़े ही ट्विस्ट आने वाले हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, मेक श्योर टू लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना।